साधारण मंत्री हो आप लोग जन थोड़ा मासे रे टॉप के जो कैटेगरी है उधर हम धीरे धीरे आगे बढ़ा था तो बस थोड़ा सा अब इसने दम करे रहो साथ बनाए रहो संग मां बैठे रहो संग मां भी चलना नहीं है संग मां बैठे रहना संजू साहू जी आ रही से मोहम्मद चल्ली से मैं चाहूँ मोहम्मद टीम से या ओका ढान ले रवि साहू जी हमारे चाहते हैं सम्मान ग्रहण करें बस जोरदार ताली होना चाहिए साहू साहू सगा कहा बहुत बहुत धन्यवाद साथ एक बात के लिए और साथ में बातें रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट मेल इज्जत करने वाला ज्यादा दिन तक इज्जतदार नहीं रहा है कोई भी दरवाजा नहीं खोलू अरे ये हमारे पेट रोजी है अब समस्या ये आए कि मधु काकर संग ब्याह करी मधु ला पटा हूँ काकर संग ब्याह करी जानथन कौन है एक डिग्री के विलेन ना रिजर्व कैरेक्टर धीरा है भाई हाँ बिल्कुल ना काकर कैरेक्टर एमए कैरेक्टर वाला बात है तो कौन कैरेक्टर आर्टिस्ट है जो मतलब अच्छा अभिनय करेंगे हम अंजान को कौनो गेस्ट कर हूँ बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट आशीष सेंद्रे तो हम नमन करने आज आशीष सेंद्रे जी को और क्योंकि तो हमारे बीच नहीं है उनकी जो यादें हैं उनका जो अभिनय है हमेशा हमारे साथ रहेगा और उनके बिहाफ में दादा जी को और उनके सुपुत्र को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे सादर आमंत्रित हैं जोरदार ताली के साथ तालियां जोरदार होनी चाहिए तो कलाकार हमेशा स्मृतियों में यादों में और हमारे मन मस्तिष्क में रह जाते हैं ऐसे ही उम्दा कलाकार हैं थे और रहेंगे स्वर्गीय आशीष सेंद्रे जी और उनको उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उनके सुपुत्र और उनके पिताश्री हम चाहेंगे तालियां जोरदार होना चाहिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और ये जो नवा पीढ़ी में जो कलाकारी के गुण आगे बढ़ा थे इसने बढ़ा रहा है दिल से अंतस्ले धन्यवाद ताली एक बार जोरदार होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद काम ध्यान करूं और अभी जमे रहना है कहा थे अभी जमे रहना है आप मतलब बिल्कुल अब आगे बढ़ो अब अगला कैटेगरी है वो है जो नवोदित कलाकार होते हैं जिनमें डेब्यू करते तो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस नवोदित अभिनेत्री और नॉमिनेशन से यमन के मैं डोरी मोर भाव के जेडी बन गए हैं अभी अभिनेत्री के मैं डोरी अभिनेत्री के मैं
और क्यों थे? भुला गयो का एखर एहसान? एहसान नहीं करे हाँ हूँ और इतना खा नहीं लो ऐसे भाई पर चुप रहा दाई दुखी तब पूरा परिवार है बात है और एक अवार्ड का देवर हमार पुरोधामन तो हाबित जी संगे संग मैं चाहूँ पीएल लक्की जी साथ देवर और एकल संग बॉलीवुड में बस्तर ले लेके जो नाम रोशन कर रहे थे जेमन चौली एलएलबी फिल्म में घर अपन सुघर रोल से जान पहचान बने सब तक एक फिल्म में भी दिखते तो हम चाहो श्री दिनेश नाग जी हमारे बीच है जोरदार ताली के साथ स्वागत करो हमारे बीच है दिनेश नाग जी तो चलो जान थान कौन है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस भाई डेब्यू मतलब है नया नया नवा नवा इनमें लकी साहब कोई नवा है ऐसा लगा था कि एकदम परफेक्ट बिल्कुल ये मन के यही वार्ड है कि कोई भी नया सा नहीं लगता बहुत बढ़िया सब करे है लेकिन नया होने के बाद भी बहुत सुंदर एक्टिंग करे है और बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड जाते हैं कौन ले जाते जी बताओ नया नया नवा वाला माया साहू लव दीवाना भाई काली जोर बजाओ और माया साहू जी हम माया साहू जी हैं प्रवीण साहू ऐसे यार कहूँगा प्रवीण दास या प्रवीण साहू का जरा होकर बिहार में ये अवार्ड लेबर प्रवीण दास जी हम दी जाए जोरदार बधाई जोरदार ताली घर बजाओ क्या बात है धन्यवाद और हमारे सगमन भंगना मन अभी और जुड़े रहो रुके रुके रहो रुके रहो तो पहली नॉमिनेशन जान लेते हैं और ठंड में इसमें जाऊंगे हम यहाँ हाँ ठंड अभी यहाँ ऑडिटोरियम में कम लगा थे इसी बंद करा दो अगला नॉमिनेशन है बेस्ट डेब्यू एक्टर तो आओ जान था नवोदित अभिनेता के जो नॉमिनेशन है उनका कौन कौन है साथ प्लीज अब मुझे दुख लग अब आगे ना मजा खेल तुम्हें कहता कि जो मैं गिरफ्तार किया जाता है अब मैं भी देखता हूँ कौन राजकुमारी और कामला बिगाड़ थे एक लड़की पर या पर बचपन में तो छोड़ दे मेरे हाँ बेटा किसे मटकाते हैं पहले तो चलो नाचा चालू करो नाम तो जाओ और नाम का ना भूलो बोलो गणेश भगवान की जय आज मैं बहुत खुश हूँ आपन की आज मोर बरसों के आस पूरा हो गया धरती भरो हरिया के गोंदा फूल मोहा के नीला नीला अंबर मा करिया खचा धन छा गए अबे कुमार फोन में बोला रे साले इतने माने छत्तीसगढ़ के कोटवार को बेबोलता है चलो भाई जल्दी से रिजल्ट कर लानो दसवीं बारहवीं का रिजल्ट आज आना था एक रिजल्ट आना चाहिए चलो बेस्ट डेब्यू एक्टर आकाश सोनी क्या बात है बहुत बुआ ये आवाज लेबर वर्मा जी आवाज है भाई थोड़ा हूटिंग होना चाहिए कैसे कर रहे आप थोड़ा हूटिंग थोड़ा धीरे धीरे आप बढ़ाओ ना थोड़ा रेस ना बढ़ाओ मनोज वर्मा जी हमारे बीच में सुखर सम्मान का अवार्ड का ग्रहण कर रहे थे बेस्ट डेब्यू एक्टर ये सुखर अवार्ड बहुत बहुत बधाई हो सर अभी और एक कहा अभी पारी पारी भी चुके हैं कहा चलो अब आगे बढ़ता एक बार अब एकदम लीड वाला लीड कहा हम आगे बढ़ा था अगला कैटेगरी है वो है
हमारे बीच बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सहायक कलाकार होते ऊपर में ये वो श्रेणी में है कॉम्पिटिशन तो आओ जानता नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशन अब जानथन रवि साहू आलेख मास्टर साहब
The best supporting actor. क्या कहना है भाई? आ जाओ रवि भाई, बहुत बहुत बधाई. ताली थोड़ा बजा दे भैया, थोड़ा मोटिंग होना चाहिए. तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड याद है रवि साहू जी ना. ऐसे बॉडी बना है. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी बने रहो सर, आप मन इतनी तीर पति आ जाओ. तो आगे बढ़ो, अगला कैटेगरी है आप एकदम जाती है. अच्छा तब चलो आगे बढ़ता. अगला कैटेगरी है बेस्ट फीमेल विलन. तो खलनायिका के अवार्ड गोलन में भी आ जाता नॉमिनेशन. रागनी की चक्कर का प्रश्न चाहिए तो हम परेशानी में आ जाता. हमार सारी योजना धरे के धरे. तुम्हें कत्ता के में गिरफ्तार किया जाता है. अब मैं भी देखता हूँ कौन राजकुमारी और कामला बिगाड़ थे. एक लड़की पर जब हम 10-15 दिनों को छोड़ देते हैं. हाँ भाई, तो क्या मैं बोलूँ? कोई किधर बजे दिखो. अब जानगो की कौन है बेस्ट फीमेल विलन? बता दी शाम भाई. अच्छा बताओ की कौन है? तो जैसे निशान भाई लगातार बता रहे बहुत सारा चीज, तो मुझे लगते निशान भाई ला बहुत सारा चीज की जानकारी है. इसलिए बहुत बहुत बधाई भानुमति जी ला. भानुमति जी अगर यहाँ पे है तो आप स्वागत है. या टीम के कोई भी मेंबर का बैठे कोई मुलाकात नहीं हुई आ रही है. अच्छा पुरुष और क्या बात है? बेस्ट फीमेल विलन के अवार्ड होला पुरुष और जी यहाँ झोंका थे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. एक तो अवार्ड कैटेगरी पर आओ अपन संग हो. नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट मेल विलन नॉमिनेशन प्लीज. बोला कोई जल्दी यहाँ पर आप करो. के साथ मादा मतलब मेरा हिस्सा आधा. मैं किसे मटकाते हैं पहले? तो चलो नाचा चालू करो. नाम बोल जाओ. और नाम का नाम बोलो. गणेश भगवान की छत्तीसगढ़ी हाँ बोली तोर हावे बड़ी मिठास. गम्मत करो ना वो गम्मत बन हम ऐसा कहानी कर दो जिन हंसी मजाक के संग संग अपन समाज ना संदेश दे सका. सबो समान जो रागी ने हरिओम नाम ला जो राम का. हरिओम नाम नहीं रे हारमोनियम कहते माया. वो संगवारी यार हाँ तुम्हारे संगवारी कल एक दूसरे के मायारु बन जाओ. जो आज मन दर दर घूमत है ना वो सिर्फ तोर वजह से. आज तो अचिंता यही चिकार दो हूँ. एक दिन साबुत लेकर नहीं दे सका सुरदास के पास करता. ऐसी खबर को लखो जी लेकर तो नहीं कहोगे. लेकर तो भगवान के उपहार होते. अपन सबको जमीन जायदाद ला एक नाम कर रहे कि अपन लीला मंडीला निकाल दे मोला अपन घर ले जावे. पुरुष
लगने दो सिंह वाला विलेन जेकर दो सिंह है ते तो बेस्ट विलेन अवार्ड के कैटेगरी में आज अभय हमल छत्तीसगढ़ी सिनेमा के और बेस्ट विलेन मेल में है रजनी झांझी जी असली कलाकार बहुत बहुत बधाई रजनी भाई हाँ है रजनी भैया असली कलाकार से कोई है सोनू मेजी अरे कोई भी आ जाए ना कोरियोग्राफर आ जाए कोई कैमरा टीम से कोई भी आ जाए तो भी नहीं है कोई है तो नहीं है नहीं है आलेख को दे देता हूँ आलेख भैया आलेख भैया बहुत बहुत धन्यवाद सर आप डोनेशन का स्थान ग्रहण कर बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस समय के लिए मुझे बुलाया अरे भैया चलो अब आगे बढ़ो अब टॉप क्लास वाला सीन है अब सातवीं आठवीं नौवीं होंगे अब बचे हैं ग्यारहवीं और बारहवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं आगे बढ़ो अगला जो कैटेगरी है वो है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर जो नवोदित निर्देशक का सम्मान किनको मिलने वाला है ये जानते हैं नॉमिनेशन विवेक शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं निशांत आपको
बहुत बहुत धन्यवाद पियान लकी भैया और पूरा स्मार्ट सिनेमा टीम ना, पूरा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री ना। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि एक छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए नाचा गंबत के पिक्चर बनाओ ताकि ओला देश विदेश तक ओला पहुँचाओ, और वो सिलसिला में लगातार काम और प्रयास जारी है। भले ही पिक्चर छत्तीसगढ़ में नहीं चल पाई सोरी, लेकिन देश विदेश तक मैं अभी तक पहुँचाते पिक्चर ला, और कुछ ना कुछ मैं जल्दी आपका बहुत अच्छा सुविचार समाचार मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री ला, करण भैया ला और ज्योति पटेल जी ला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत बधाई और हम चारों की अवैया मेरा माओ सुंदर फिल्म देखने मिले, धन्यवाद। और अपने साथ में अगला कैटेगरी के नाम अनाउंस करने से पहले मंच में एक बार फिर से बुलाना चाहूँ संतोष जैन जी और क्षमानिधि मिश्रा जी का सादर आमंत्रित हो। संगे संग पहले देखते हैं नॉमिनेशन, आप तैयार रहो बस। नॉमिनेशन है अगला बेस्ट डायरेक्टर, धन्यवाद। और आयत को भी
मैं पूरी फिल्म के सारे कलाकारों को डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन आया को डायरेक्ट मन कुरैशी किया है। मन कुरैशी ने आयत को डायरेक्ट किया, इसलिए आयत को लेके आया हूँ। चलिए, आयत का बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म की सफलता में। कौन है सबसे सुंदर, सबसे सुंदर और सबसे कमाल के अदाकारा सिने तारिका जिला के लिए जाते तो बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन है एडा। हाँ
और मूवी की बात करूँ दर्शन पंगली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ को टर्निंग पॉइंट देने वाली मूवी थी, तो जिसके लिए दिल से मैं छोटे लाल साहू जी को और सतीश जैन जी को भी दिल से इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी बात सच हुई। लैला टिकटॉक में उन्होंने बोला था बड़ी ओके तो ज़रूर हीरोइन बनेगी, और सर आपकी बात शायद वो सच हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कास्ट कर लोगे, तो दिल से उसके लिए बहुत सारा दिल से ढेर सारा धन्यवाद। राहुल जी जोरदार भाई, और अपनी पूरी टीम को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के बिना शायद ये वो रंग नहीं ला पाती जो आज ये रंग लाई है, और पूरी टीम वन बाय वन आके यहाँ पे ओवर ले रही है, तो थैंक यू सो मच। और सर आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप अगर मुझे पहली मूवी बचपन में कास्ट नहीं किए रहते तो शायद मैं लैला टिकटॉक में भी नहीं देखती, तो धन्यवाद। आगु बड़ा रहो और बहुत बहुत बधाई आपका पूरा परिवार ला और पूरा छत्तीसगढ़ की सिनेमा के जो बात चल रही है। चलो तो आओ एक बात आप प्रधान हमन जो सुपर डुपर अंदाज जमा है और एक बार जोरदार हुडी के साथ नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर है, तो आओ जान था नॉमिनेशन कौन कौन है सुपरस्टार के इस सुपर रेस में। चुने गए हैं दाऊ
मन्ना जी। वैसे करके अवार्ड जाते सुपरस्टार करण खान जी का फिल्म मंदरा जी के लिए और बेजोड़ अभिनय के संग जेमना का अदाकारी हमेशा से दिखा था देखो ताली जोरदार होना चाहिए कौन और जोरदार मीटिंग में से बेस्ट एक्टर अवार्ड जाते करण खान जी का। और ये मेरा मवाद है कि मैं दो फिल्मों का हीरो है और अभी तक हीरो बने हुए बधाई आपको बहुत बहुत कारण भाई हक है इसके लिए किसी को हमारा हक है बिल्कुल राम जी चाहो एक बार जोरदार ताली हो और डबल की जो पहला बायोपिक फिल्म हुई थी करण खान जी क्या कहना चाहो ये पिक्चर वैसे भी हर कलाकार के दिल से जुड़े पिक्चर है और आपके अनुभव आप के मन के बाद दिल के गोल बाद एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सरकारी हो सबले पहले श्रद्धेय राव मंदरा जी ला और स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी का शत शत नमन दिल से श्रद्धांजलि। ये अवार्ड बहुत टॉपरी से अवर के साथ में जनता हीरो मन के नाम आए हैं सब एक से बढ़ के एक है लेकिन वो मन के बीच से ये अवार्ड मला मिली से मला बहुत खुशी हुआ था। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपन ये सम्मान अपन ये अवार्ड अपन अम्मी के चरण में समर्पित करा था और दिल से धन्यवाद देवा था मंदरा जी फिल्म के निर्माता निर्देशक सारवा ब्रदर्स मां नर्मदा फिल्म्स और पूरा फिल्म यूनिट के जितना टेक्नीशियन मन रही है जितना जन रही से सब जन बहुत बहुत धन्यवाद जूरी मन के मैं यहाँ आभार व्यक्त करा था आयोजक मला धन्यवाद देवा था और आप सब जन अभी धन्यवाद जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ धन्यवाद सर और हम चाहो ऐसे सुखर फिल्म और आपके सुखर अभिनय देखने को मिल रहा है और अब मैं चाहूंगी एक बात होते कि कलाकार अपन अभिनय जरूर करते मगर जे दर्शक ला लोगन ला एकदम लोगन के दर्शक के दिल में घर कर देते ऐसे कलाकार होते सरकारी होने से सुखर अवार्ड अभी दे जाना है बेस्ट एक्टर पीपल चॉइस अवार्ड वो अवार्ड जाते हैं मैं बात हूँ पब्लिक के जो पसंद है अब मैं जाना था और कई फिल्म आ चुके हैं साल और ये अवार्ड जाते पब्लिक चॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड मैन कुरैशी जोरदार ताली और जोरदार स्वागत हो चाहो इस सुपर अवार्ड पर जब पिक्चर लगी तब पर्दा फान के नोनी मन दीदी मन और पिक्चर देखे दर्शक मन कूद के गेंद से जाम डाली मां और अभय से भी कहा और उससे सुधर दास में कहा था और क्या थे बेस्ट एक्टर पीपल्स वाइज मन कुरैशी फिल्म के नाम है हसन पगली फादर हां पब्लिक अवार्ड का विषय यकीन पर है थोड़ा जोरदार ताली हो जाए भाई बेस्ट एक्टर पब्लिक चॉइस अवार्ड जा रहा है मन कुरैशी जी को फिल्म महाजन पगली फसाने पर सुखर बधाई अब मन कुरैशी जी कुछ कहना चाहते हैं दिल के बाद थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त भूमिका के साथ मैं आपको कोई शब्द नहीं सबसे पहले राखी भाई स्मार्ट सिनेमा के बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हर साल ये आयोजन करते हो और ये अवार्ड मिले हूँ मतलब पीपल चॉइस अवार्ड तो मैं सब दर्शक मन के बहुत बहुत धन्यवाद करते हो कि आप हमको हर फिल्म ला इतना अप्रिशिएट करते हो इतना सारा प्यार देते हो कि साल में टाइमिंग के लिए इतना सारा फिल्म करना पड़ते हैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ये फिल्म हसन पगली और लाइफ चेंजिंग फिल्म है आपको जानते हो कि यहाँ से आपकी फिल्म करने के बाद मेरे यहाँ से हर एक्टर की लाइफ बदल गई वैसे मोर लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके छोटेलाल साहू जी के और टीम से जुड़े हर एक व्यक्ति से स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक सबके बहुत बहुत धन्यवाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद है मोर बेटी के खबर की शुरू से इतना लगती है कि मोर जो चीज़ में हाथ रखे वो चीज़ मोर पर सुना होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है कि वो बेस्ट डेब्यू
चाइल्ड आर्टिस्ट के होकर अवार्ड मिले, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली के बहुत बहुत धन्यवाद, और वाइफ के बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सके। अपन माता पिता के चरण में ये अवार्ड रखूँ, सॉरी मैं बोल नहीं पाते, शब्द में थोड़ा सेंटी एक बार हूँ कि मोर बेटी का ये अवार्ड मिली, सो वो समय नहीं रहे तो मोला बहुत देर से वो हर्ट हो गई, इसलिए ओखर पर कुछ नहीं बोल पाया। तो मोर पर सबसे खास मौका वो रही, सो मैं आज वो मिस कर रहे हो, तो सॉरी आया, धन्यवाद। इसमें पूरा परिवार और पूरा जो सॉलिड के संग निशान बने रहा है। अब सरकारी हो, चलो आखिरी जो अभी के जो सुख अवार्ड है वो कारण हम जाबो, और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फिल्म। तो आओ जानथन बेस्ट फिल्म के नॉमिनी कौन कौन है, अपन साथ बनाए रखो। जैन साहब रुक गए हो ना, तो जरूरी है मेन वाला। चलो आओ देखते हैं नॉमिनेशन बेस्ट फिल्म। वो दू कौड़ी के गवैया बजैया वाला शराब करे बजा, मेरा जन्म लेते भा कहीं कहीं गाना गाया हो ना, तब तुम गली गली ढिंढोरा पीट के नाचे हो, तुहर वही दू कौड़ी के गावा के सकी आज सब दिन तुहला रायपुर से मकान मिलना नौकरी मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। अरे उम्र मया के वर्षा मा बीच में जरूर एक ना एक दिन बसीज में जरूर मरे के अक्का शौक है, मौत के दुआरी में आके हीरो के लिए दिखाता बोला तो मैं जिंदा भी छोड़ा और जान तो बहन के दिल के धड़कन में मस्त है, दम तो निकाल दूंगा। पूरा स्टार का साथ है हम चाहेंगे, और बहुत बहुत बधाइयां
बेस्ट फिल्म का अवार्ड जा रहा है हरसंग पगली फंस जावे को। तो दिल से हम स्मार्ट सिनेमा अवार्ड की ओर से बधाइयां देते हैं और थोड़ा जोरदार हुडी के साथ आइए पूरा पूरा टीम आ जाए। चलो जी थोड़ा जोरदार हुडी होना चाहिए। तो आप के बीच सुखर जो बेस्ट अवार्ड है बेस्ट फिल्म के छत्रगिरी स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2020 में जावा थे फिल्म हरसन पगली फंस जावे ला। पूरा टीम जोरदार हुडी होना चाहिए क्या बात है। तो अवार्ड लेवर हम चारों के पूरा और डायरेक्टर साहब सुधीर जैन जी होता हुडी होना चाहिए। डायरेक्टर साहब कुछ कहना चाहो। बिल्कुल कहना पड़ी थे प्रोड्यूसर बोलेगा आज फिर प्रोड्यूसर बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। हेलो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री पूरा सबो कलाकार सबो टेक्नीशियन सबो जिला वोटदार ने चरण छू के प्रणाम करता था। आपन स्वीकार करो आपन आओ मत पहली बार सभी चाचा ला दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बोला ये जगह में खड़े करने के काबिल करी ओकर लिए मैं जिंदगी भर ऋणी हूँ। एक जन्म का सात जन्म का अवसर पर जन्म उतार पाऊ और वो फिल्म आर्टिस्ट का धन भाई रवि साहू अंडी जी और सबो कलाकार जीवन पर मोर प्रति अटका दिल खोल के काम करी जेकर आज नतीजा आप लोग के सामने है। मैं दिल से सबो जिला दुआ देता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि यही आशीर्वाद वो लिए हमेशा बनाए रहे यही आशीर्वाद मोर पर हमेशा बनाए रहे। जय जवान जय छत्तीसगढ़।